जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% कोटा देना सही है। आप सभी को पता होगा, सरकार अभी रिसेंटली एक बिल लेकर आई है जिसमें वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन देने की बात कर रही है। और ये जो बिल है ये लोकसभा में पास हो चुका है। अभी एट प्रेजेंट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये राज्यसभा में इस पर डिस्कशन चल रहा है। और जैसा कि आप जानते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो राज्यसभा से अगर ये पास हो जाता है उसके बाद हाफ ऑफ द स्टेट का रेक्टिफिकेशन भी लगेगा, तब जाकर ये लॉ में तब्दील हो सकता है। और मैं ऑलरेडी 10% कोटा क्या है, उसमें कौन से लोग आने वाले हैं, उसी के साथ साथ बिल किस तरीके से पास हो रहा है, कौन सी मेजोरिटी लगती है, ये सब कुछ मैं आपको उस वीडियो में समझा चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, यहां पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो वो वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि बेसिक चीजें आपको पता रहना बहुत जरूरी है इस वीडियो को समझने के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, जो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये लिखा है फॉर्मर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने, और उसी के साथ साथ इन्होंने सोशल जस्टिस फॉर एससीज एसटीज और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, इनके लिए कई डेकेड्स तक काम किया है। और ये जो आर्टिकल है किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं लिखा है, इसलिए इसमें काफ़ी अनबायस तरीके से हमें जो पॉइंट्स है वो देखने को मिलते हैं, जिससे कि हम भी अनबायस तरीके से इसे एनालाइज कर सकते हैं। अब देखिए, आपने मेरा वीडियो जरूर देखा होगा, सरकार एक नया बिल लेकर आई है, उसमें 10% रिजर्वेशन देने की बात कर रही है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जिसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो है उसे अमेंड किया जाएगा। तो अब हमें सोशल रियलिटी भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो सोशली एडवांस्ड कास्ट है, मतलब जो लोग एससी एसटी या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इससे बिलोंग नहीं करते हैं, वैसे लोगों में भी हमें पुअर इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं, वहां पर भी गरीबी हमें देखने को मिलती है और उन्हें भी हेल्प की ज़रूरत है। मगर इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम वो क्या फेस कर रहे हैं वो समझना ज़रूरी है, उसी के साथ साथ अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनली सस्टेनेबल सॉल्यूशन उनके लिए क्या हो सकता है ये समझना ज़रूरी है। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या 10% रिजर्वेशन देकर हम उनकी समस्या का निवारण कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस भी देखना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके दो पैर है, दो लेग्स है। एक तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी की, जो कि हमें आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 में देखने को मिलता है। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाए हैं आर्टिकल्स। यहाँ पर स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट में ऑन दी ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब हमारे संविधान के हिसाब से हर सिटीजन जो है वो इक्वल है, और यही चीज़ हमें आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 में भी देखने को मिलती है, जहाँ पर स्टेट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा हर सिटीजन को एम्प्लॉयमेंट के मामले में। तो ये एक पैर है जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी काम करती है, जहाँ पर हर सिटीजन इक्वल है, और दूसरा जो पैर है, दूसरा जो लेग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है स्पेशल प्रोविजंस की। मतलब हमारे भारत में कुछ ऐसे सेक्शन के लोग हैं जो कि बैकवर्ड है, जैसे कि एससी एसटी एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, तो इनके लिए सरकार कुछ स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पर ला सकती है, जिससे कि सरकार इन कैटेगरी के लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस ला सकती है, और ये हमें आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 वैसे ही आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में देखने को मिलता है। मतलब सरकार ये जो सेक्शन के लोग हैं इनके लिए रिजर्वेशन लेकर आएगी, और ये जो बाकी के लोग हैं उनके लिए डिस्क्रिमिनेटरी नहीं रहेगा। ये भी जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाई है। अब इस वीडियो में जो हमें समझना है वो ये है कि बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन क्या है। तो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है मंडल केस में, पॉपुलरली जिसे हम इंदिरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से भी जानते हैं। अगर आपको इस केस के बारे में जानकारी चाहिए होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी चीज़ें बताई थी कि यहाँ पर एससी एसटी और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को जो भी सहूलत, जो भी प्रोविजंस दिए जा रहे हैं, तो ये लोग कोई एक्सेप्शंस नहीं है, लेकिन इन सेक्शन के लोगों के लिए हमारा जो संविधान है वो स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है, ताकि जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है वो इनरीच हो सके, जो हमारा संविधान इक्वालिटी की बात करता है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके। अब देखिए, यहाँ पर रैशनल क्या है इस रिजर्वेशन का, जो रिजर्वेशन दिया जाता है एससी एसटी ओबीसी इन कम्युनिटी को, तो बेसिक रैशनल क्या है, मोटिव क्या है इस रिजर्वेशन का,
तो जो फाउंडिंग फादर थे हमारे संविधान के, वो ये चाहते थे कि जो हिस्टोरिक इनजस्टिस और इनइक्वालिटीज का सामना करना पड़ा है इन सेक्शन के लोगों को, उसकी भरपाई हम यहाँ पर उन्हें रिजर्वेशन देकर कर सके। क्योंकि देखिए एससी अगर कम्युनिटी हम देखते हैं तो उन्हें अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा है इतिहास में, काफी ह्यूमिलिएशन का उन्हें सामना करना पड़ा है, जिस वजह से उन्हें अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं दी जाती थी, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। अब आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला इस वजह से अभी भी काफ़ी बैकवर्ड हमें ये सेक्शन जो है वो देखने को मिलता है। उसी तरीके से अगर हम एसटी की बात करते हैं तो उन्हें भी काफ़ी ह्यूमिलिएशन, काफ़ी दुख सहना पड़ा है इतिहास में, जिस वजह से आज भी वो सेक्शन जो है वो काफ़ी बैकवर्ड नज़र आता है। और तीसरा जो सेक्शन हम देखते हैं वो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। इन्हें अनटचेबिलिटी का सामना तो नहीं करना पड़ा है, लेकिन काफ़ी लो पोजीशन थी इनकी सोसाइटी में, जिस वजह से इन्हें भी अपॉर्चुनिटीज़ जो है आगे बढ़ने की वो नहीं मिल पाई और सोसाइटी ने इन्हें भी बैकवर्ड ही रखा। तो ऐसे जो सेक्शन के लोग हैं जिन्हें इतिहास में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, उन्हें हम रिजर्वेशन देकर आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, जिससे कि इक्वालिटी जो है वो हम अटेन कर सके। मतलब जिन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला है वो आज जिस पोजीशन पर है, तो उनके साथ आज वो लोग जिन्हें मौका नहीं मिला था वो भी आकर खड़े हो सके, इसलिए रिजर्वेशन जो है वो लाया गया है। ये बेसिक मोटिव था रिजर्वेशन का। और जब ये रिजर्वेशन लाया गया था तब ये भी बात की गई थी हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कि जब रिजर्वेशन की ज़रूरत ना पड़े, जब ये सेक्शन इनके लेवल तक पहुंच जाए तो रिजर्वेशन को हटा देना भी उचित रहेगा। अब देखिए ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जिन्हें रिजर्वेशन दिया गया है, ये पर्टिकुलर सेक्शन के लोग हैं, पर्टिकुलर कास्ट के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं। यहाँ पर कोई इंडिविजुअल नहीं आ रहा है कि एक इंडिविजुअल जो है उसे अगर बहिष्कार सहना पड़ा हो, उसे ह्यूमिलिएशन सहना पड़ा हो हिस्ट्री में, तो उसे हम यहाँ पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर पर्टिकुलर सेक्शन है, पूरे सेक्शन को ही यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा है, अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा है, तो ऐसे सेक्शन को हम यहाँ पर रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के साथ, तो यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है इन्हें किसी भी तरीके के ह्यूमिलिएशन या इस तरीके की परिस्थिति जहाँ पर उन्हें अपॉर्चुनिटीज ना दी गई हो, ऐसी चीज़ें इन्होंने फेस नहीं की है। ये डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इस डिफरेंस की जो ऑथर है वो बात करते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, यहां पर जो भी ओपिनियंस है ये ऑथर के हैं, यहां पर मेरे पर्सनल ओपिनियन नहीं है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जब मंडल केस का डिसीजन दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो बैकवर्ड क्लास है वो एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर बेस्ड नहीं हो सकता है। मतलब किसी भी सेक्शन को हम इकोनॉमिक के ग्राउंड पर बैकवर्ड क्लास घोषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो सोशली बैकवर्ड क्लास की बात करता है, ना कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की। और यही वो केस था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 50% का कैप लगाया था, मतलब आप टोटल 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं रख सकते हो। अब यहां पर सरकार जो है वो 50% से एक्सटेंड करके 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देने की बात कर रही है, तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो पिक्चर में आ सकता है अगर ये बिल पास भी होता है तो। अब देखिए जो कोटा देने की बात की जा रही है इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन को, क्या ये नई आइडिया है, क्या ये इनोवेटिव आइडिया है? तो जी नहीं, इससे पहले भी 1990 में वीपी सिंह की जो सरकार थी उन्होंने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कोटा देने की बात की थी, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाई थी। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को दिया था, लेकिन वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आया था और उन्होंने कहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन की बात करता है, ना कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, इसलिए आप इन्हें रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या फिर से हमारी जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो यही गलती फिर से दोहरा रही है कि हमारे संविधान में ये बात नहीं दी गई है, फिर भी ये इस तरीके का बिल लेकर आई है। तो यहाँ पर स्लाइट चेंज है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था। यहाँ पर जो सरकार बिल लेकर आई है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करने की बात कर रही है। मतलब आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में जो स्पेशल प्रोविजंस की बात की गई है वो किन के लिए की गई है? तो विमेन, चिल्ड्रन, एससी, एसटी एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। ये जो बिल है यहाँ पर एक सेक्शन और ऐड करने की बात कर रहा है, वो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। मतलब सरकार अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन लाती भी है तो भी ये संवैधानिक रहेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ दी हुई रहेगी, क्योंकि सरकार यहाँ पर आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 को अमेंड कर रहे हैं, वहाँ पर ये जो सेक्शन है ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि सरकार इनके लिए भी कुछ सहूलत रिजर्वेशन ला सकती है और वो भी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं कहलाएगा। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट का इसमें रोल नहीं रहेगा? तो ये भी गलत है, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान होता है,
जहां पर अगर उन्हें लगता है कि ये जो चीज़, ये जो अमेंडमेंट सरकार लेकर आई है, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करती है, तो वो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट को यहां पर भी लगता है कि सरकार यहां पर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ये एक सेक्शन ऐड कर रही है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करता है, तो इसे भी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है। इसका मतलब है कि सरकार ने जो अभी लोकसभा में बिल पास किया है, इसके बाद अगर राज्यसभा में भी पास हो जाता है, उसके बाद अगर हाफ ऑफ द स्टेट का रेक्टिफिकेशन भी मिल जाता है, तब भी इस बिल को सुप्रीम कोर्ट से खतरा रहेगा, ये लीगल चीजों में फंस सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देता है, तो ये जो अमेंडमेंट रहेगा ये वैलिड नहीं रहेगा। और हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं, क्या ये 10% रिजर्वेशन जो है ये फायदा पहुंचाएगा। तो देखिए, किसी भी एग्जाम में अगर हम बात करते हैं, तो जो कट ऑफ होता है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 10% की कैटेगरी में अगर बहुत सारे लड़के जो है वो फॉर्म भर देते हैं, तो यहाँ पर ये जो 10% का क्राइटेरिया है, इस सेक्शन में जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी से भी हायर जा सकता है। तो हम पूरी तरीके से अश्योर्ड नहीं रह सकते हैं कि 10% रिजर्वेशन अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिलता है तो यहाँ पर उन्हें फायदा मिलेगा ही। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या होना चाहिए? तो देखिए, जो ऑथर है वो ये कहते हैं कि जो प्रॉब्लम है चिल्ड्रन और यंग पीपल ये जो फेस कर रहे हैं, जो सोशली एडवांस कास्ट से बिलोंग करते हैं और जो जेन्युइनली पुअर है, कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एजुकेशन को, मतलब उनके पास पैसा नहीं है इसलिए वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। उसी के साथ साथ उन्हें बीच में ही एजुकेशन जो है वो छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रहा है? तो फाइनेंशियल कैपेसिटी, मतलब अगर उन्हें फाइनेंशियल कैपेसिटी मिल जाती है तो अपना एजुकेशन कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 10% रिजर्वेशन जो है ये सही नहीं है, ऐसा ये जो ऑथर है वो कहते हैं। और उनका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर इन्हें स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन्स जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि जब इन्हें स्कॉलरशिप या फिर एजुकेशन लोन मिल जाएंगे तो ये अच्छे से अपनी जो पढ़ाई है वो कंप्लीट कर पाएंगे। और सिर्फ फाइनेंशियल इनकैपेसिटी की वजह से वो अपनी पढ़ाई जो है वो आधे में से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे 50% की कैप दी थी कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन आप नहीं ला सकते हो, और सरकार अगर यहाँ पर ये बिल पास करती है और ये 10% एक्स्ट्रा देती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप 50% से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, तो हो सकता है कि सरकार इस 50% में ही इस 10% को इंक्लूड करे। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि जो SC ST या फिर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, उनका सेक्शन जो है, उनका प्रोपोर्शन जो है यहाँ पर कम हो सकता है, क्योंकि ये जो सेक्शन के लोग हैं इन्हें हिस्ट्री में सोसाइटी ने आगे नहीं बढ़ने दिया है, सोसाइटी ने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी है, तो इनका रिजर्वेशन यहाँ पर कम करना ये सही नहीं होगा, ऐसा जो ऑथर है उनका कहना है। तो अब इस पर जो भी अपडेट आता है वो मैं आपको देते रहूँगा। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो भी ऑथर का कहना है, जो भी ऑथर के व्यूज़ है, आपको कितने सही लगते हैं, कितने गलत लगते हैं। लेकिन बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक डिसेंट लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।